हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दी बैक दी वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू द प्लम्बिंग वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो पाइप लाइन ब्लॉक हो गया है, पानी नहीं आ रहा है, यानी कि पाइप में कहीं पे कचरा फंसा हुआ है। तो ये देख सकते हो, जैसे ही नल खोलता हूँ थोड़ा सा पानी आता है, उसके बाद में पानी धीमा हो जाता है, यानी कि पाइप लाइन में कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। देख सकते हो कोई भी नल में पानी नहीं आ रहा है, किचन बाथरूम कहीं पर भी पानी नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को क्या तरीका अपनाना चाहिए मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहो। पहले तो आप लोगों को क्या करना है, नल ऐसे खोल लेना है। नल खोल लेने के बाद में देख सकते हो यहाँ पे पानी धीमा धीमा जो आ रहा है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ सामने लेके जाकर, यहाँ पे इतना इतना पानी आ रहा है। तो उसके बाद में आप लोगों को ऊपर वाला कॉक मेन वाल जो है बंद कर देना है। बंद कर देने के बाद में आउटसाइड का जो आपका जहाँ पे वो पाइप लाइन नीचे उतरा है, तो वहाँ पे काट के एक वाल लगा देना है, कटिंग करके एक वाल लगा देना है। UPVC का जो वाल होता है वो आप एक वाल लगा दो साफ सफाई करके। देख सकते हो मैं यहाँ पे वाल लगा रहा हूँ। ये अपना आउटसाइड का लाइन आया है बाथरूम में, जो यही लाइन गया है ये मैं वाल लगा दिया। अभी क्या करना है, मोटर फिटिंग कर लेना है। मोटर में देख सकते हो यहाँ पे एक्स निपल आता है, एक्स निपल फिटिंग कर देना है कनेक्शन पाइप लगाने के लिए। ये जो है ये मोटर का आउटलेट है, ये मैं जहाँ पे लगा रहा हूँ। और हाँ यार, चैनल में नया है तो चैनल को करो सब्सक्राइब, आप लोगों को नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। प्लम्बिंग के बारे में कुछ भी जानकारी हो तो इंस्टाग्राम में आके फॉलो करो, वहाँ पर आप लोगों को हर सवाल का रिप्लाई मिलेगा। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कनेक्शन पाइप एक्स निपल लगा के उसमें कनेक्शन पाइप टाइट कर देना है। टाइट हो गया, ये जो है ये इनलेट है मोटर का, जहाँ से पानी मैं लेने वाला हूँ। और ये जो आउटलेट में ये देख सकते हो थ्रेडिंग पाइप मेरे पास पड़ा था, तो मैं कटिंग कर लिया हूँ। इसमें एक्स निपल नहीं लगा रहा हूँ, लेके नहीं आया हूँ, तो थ्रेडिंग पाइप पड़ा था तो वो कटिंग करके मैं लगा दिया हूँ। पाइप का दोनों तरफ थ्रेड है, देख सकते हो ये पाइप का थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। वाल बंद होने के बाद में भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, पाइप का पानी है वो। और आपको ऐसा पकड़ से टाइट कर देना है। सब पकड़ से टाइट कर देने के बाद में फ्रेंड्स ऐसा वाल मोटर जो है वो चालू कर देना है आपको। देख सकते हो मोटर चालू हो गया है, अभी पानी खाली भी हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो ऐसा क्या है, दो तीन ऐसा बाल्टी आप लोग रखना है, दो तीन बाल्टी खाली करके निकाल देना है। बाल्टी खाली हो गया है और यहाँ पे देख सकते हो ये प्लास्टिक का थैली अंदर था, थैली निकला हुआ है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बाल्टी ख़त्म करने के बाद में ये थैली निकल गया था। उसके बाद में मैं और भी दो बाल्टी खाली किया हूँ ताकि प्रॉपर जो भी है पूरा निकल जाए झाड़ पोछ के। और यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद में ऊपर का वाल चालू कर देना है, नीचे का वाल बंद कर देना है। उसके बाद में देख सकते हो आप लोग यहाँ पे प्रेशर आ गया है, वो प्लास्टिक का जो थैली था उसकी वजह से पानी रोक के रखा था। यहाँ पे देख सकते हो, मैं दूसरा भी आप लोगों को नल चालू करके दिखाता हूँ, ये बंद कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग पानी का प्रेशर देख सकते हो, फुल स्पीड से पानी आ रहा है। आप लोग भी अगर इसी तरीके से काम करोगे तो आप लोगों को भी सक्सेस मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को बाहर का जो मोटर फिटिंग किया था वो मैं खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोगों को ऐसे मोटर खोल लेना, मैं वाल चालू करके आया हूँ, जो मैं उसके बाद में वाल बंद करने गया नहीं हूँ ताकि बार बार ऊपर नीचे हो के मेरा पैर दुखने लगा है, तो मैं ऐसा चालू पानी में लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे ही सेम काम का वीडियो थोड़ा अलग स्टाइल से किया हूँ, उसमें प्रेशर पंप का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, जो बशीर भाई का चैनल में बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग बशीर भाई का चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। बशीर भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। और मेरे चैनल में भी आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यार, लाइक नहीं करते हो, लाइक करो और लाइक करो। और आप लोग लाइक करते हो तो एक सेटिस इन्फेक्शन से मिलता है, सेटिस इन्फेक्शन। भाई मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है थोड़ी, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, सेटिस इन्फेक्शन या कुछ भी उसको बोलते हैं, ठीक है। देख सकते हो पूरा प्रॉपर फिट हो गया है।
देख सकते हैं यहाँ पे पानी का प्रेशर, पहले पानी का प्रेशर कितना था, अभी पानी का प्रेशर कितना है। काम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलेंगे फिर ऐसी किसी अगले वीडियो में। गुड बाय यारों।